साफ मीटर तेरे बंद हो नहीं चले वो भी चीज सुन गए वही था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी घर की रूटीन शेयर करके उसके बाद जो है ना फजीला की सिस्टर्स की शादी थी जो कि टिकटॉकर भी है यूट्यूबर भी है। तो आज का व्लॉग जो है ना वो वैसे तो वेडिंग व्लॉग है। तो होगा आपको जो है ना साढ़े तक कम ही नहीं मुक दे तो कम काम तो हर घर में होते हैं वैसे, ये तो हम दिखाते हैं तो नज़र आते हैं, काम हर घर में होते हैं, गांव चले जाओ शहर में हो कहीं पे भी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कपड़े इस्त्री, आंटी कर रही थी सफाई और मेरी बहन कर रही थी डस्टिंग, मिरर को सेट कर रही थी। तो जो है ना शादी में बहुत सारी चीज़ें उलट फुलट हो गई थी तो हमने कब से जो है ना सेटिंग वेटिंग की नहीं है। और ये वाइट कलर का हमने लगाया हुआ है ना जो है ना मिरर के ऊपर तो ये बहुत जल्दी मेला हो जाता है, इस पर मेकअप गिर जाए कुछ भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना बहुत मेला हो जाता है। तो अभी मुझे जो है ना ये मेला लग रहा था, मैंने बहन को कहा निकाल देते, उसने कहा अभी अगर तुम फ़ौरन नहीं दोगी तो जो है ना मैं नहीं निकाल रही, अगर के फ़ौरन धो के देती हो तो निकाल देती हूँ। मैंने कहा अभी तो फ़ौरन नहीं धो रही मैं क्योंकि सुबह का टाइम बहुत तेज़ सर्दी है, तो जिस वक्त धोने जाऊँगी तो मैं निकाल दूँगी, अभी आप डस्टिंग करके लगा दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने रूम का टूर देने वाली हूँ, थोड़ी सी चीज़ें रहती है मैं वो सेट कर लूँ, उसके बाद अपना रूम टूर दूंगी जो मैंने अपना और मेरी बहन का है, समझो मेरी बहन उसमें मेरे बच्चों के साथ रहती होती है, लड़कों का तो मेरे अलग से था वैसे ही लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे हैं ना तो मेरी बहन के साथ होते रूम में, तो जब तक मेरी बहन यहाँ पे है तो उसका समझो रूम मेरे बच्चों के साथ है। अच्छा तो ये बारात की एंट्री थी, यहाँ पे बाहर अंधेरा था, बारात आ चुकी थी तो उस वक्त का शूट है और म्यूज़िक बहुत तेज़ था, म्यूज़िक नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉपीराइट, चल रहे थे बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स। ऑप्शन होता क्योंकि इतने खूबसूरत सॉन्ग थे, इतनी अच्छी डांस थी लड़कियों की ब्राइडल्स की और जो है नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है। बहुत ही धमाकेदार एंट्री है ब्राइडल्स की खुशी में माशाल्लाह से डांस करते हुए अपने कजन्स के साथ। फजीला का ड्रेस बहुत प्यारा था, इसने इंस्टा पे टैग भी किया हुआ है और जो है ना उसकी दो बहनों की शादी है और बहुत ही अच्छा डांस बहुत ही अच्छी सॉन्ग पे किया है जो कि ये भी नहीं लगा सकते इंट्रो में, तो आपने शॉर्ट देख ही लिया होगा कि कौन से सॉन्ग पे डांस हो रही है। अच्छा तो अभी मदीहा की सिस्टर जो है ना द्रक्षा खान को चाय थी, ये सही नाम है इसका, फजीला दोनों का डांस होने लगा है और ये भी बहुत ही अच्छा डांस, बहुत ही अच्छे ड्रेस थे दोनों की। पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग यार, हमें तो शादी में लोगों से मिलते ही जो है ना टाइम गुजर गया, हमने ना अपनी पिक्चर्स खिंचवाई ना ही हमने डांस किया ना ही हमारा फ़ोटो शूट हुआ, हमसे कोई पिक्चर मांग रहा था कि पिक्चर्स भेज दें अपनी जो है ना भाई की शादी की, तो हमारे पास पिक्चर्स ही नहीं थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं दोनों सिस्टर्स, एक थक के डिनर हॉल हो गई, ये इनके दोनों दूल्हे हैं।
इसको तो आप जानती होंगी होंगे सब, ईमान एस्थेटिक क्लिनिक वाली गर्ल। इस लड़की के अंदर डांस टूट टूट के भरा पड़ा है भाई। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कोशिश करती हूँ मैं अपने आप से अच्छा बनाने की, आगे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अच्छा होते जा रहे हैं अच्छे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी पता चलता जा रहा है कि कैसे हमें व्लॉग जो है ना बनाना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होते जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी पसंद आ रहे होंगे, और जो है कि पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट भी कर दिया करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।